नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे दो दिन के भारत दौरे पर, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अगवानी। माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम को ब्रिटेन में बड़ा झटका, 40,000 करोड़ की संपत्ति जब्त। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, जनधन योजना के तहत 3 साल में 30 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खुले। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए खतरा है रोहिंग्या, अवैध शरणार्थियों पर कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर एनएसयूआई का कब्जा, एबीवीपी को 2 सीटें मिली। भागलपुर में सृजन घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका को पटना उच्च न्यायालय ने खारिज किया। कोलकाता और लखनऊ हवाई अड्डों के विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी का एएआई से समझौता। शरद यादव का दावा, उनके नेतृत्व वाला जदयू ही असली। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में आने वाले शरणार्थियों पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी। रोहिंग्या विवाद के चलते विरोध का सामना कर रही सू की संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में नहीं लेंगी। हलीमा याकूब बनी सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।